झाबुआ में भानु भूरे की टिकट का ऐलान होते ही भाजपा में बगावत हो गई है। भानु की टिकट फाइनल होते ही टिकट के दावेदार रहे कल्याण दामोद और मेघजी अमेलियार ने भाजपा का दामन थाम लिया है। तो वहीं रुक करते हैं अगली खबर का। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज से आपका खबर बता रहे हैं, जहां पर अस्पताल में व्यवस्थाओं के मामले अक्सर सामने आते रहे हैं, जिसमें कभी यहां पर सीटी स्कैन मशीन भवन की कमी के चलते धूल खाती है तो कभी मशीनों के तारों को चूहा काट लेने से मशीन बंद हो जाती है। और इस दौरान अस्पताल में डायलिसिस कराने पहुंचने वाले मरीजों को निजी अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटर की ओर रुख करना पड़ रहा है। जिला अस्पताल में आई हूँ डायलिसिस के लिए, यहाँ 3 महीने का मेरे डायलिसिस नहीं हुआ है। मिशन में करवा रहे हैं, गरीब आदमी है, कहाँ से पैसा लाए। हफ्ता में वहाँ 2000 रुपया लगता है और हमको हफ्ता में 2 बार यहाँ 3 बार करवाना था, लेकिन करवा रहे हैं 2 ही बार। फिर भी हम बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन मिशन में हमको 1 बार करवाना पड़ रहा है। हम लोग करीब 2.5-3 महीने से यहाँ डायलिसिस करवाते ही थे, पहले से 1.5-2 साल से। अभी 2.5-3 महीने से लोग बंद करके रखे हैं, बोलते हैं वो पॉजिटिव है तो क्या है भाई, तो हम लोग को समझ के बाहर की बात है। और हम लोग गरीब आदमी भाई, इतना इतना पैसा कहाँ से लाएंगे दूसरे जगह पर डायलिसिस कराने में। वहाँ पर उसमें आर ओ प्लांट वगैरह लगाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और वो बाहर से जो आते हैं वो लोग इंस्टॉल करते हैं, रायपुर वगैरह से आके इंस्टॉल करते हैं, इसलिए 1-2 दिन का समय लग रहा है। बाकी मरीजों की परेशानी नहीं हो रही है, पहले उनका